नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल @ विजय विद्रोही ऑफिशियल का आज 1 महीना पूरा हो रहा है और 10,000 से कुछ ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिले से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मुझसे नहीं जुड़े उनका भी शुक्रिया। और उम्मीद ये करता हूं कि जो मुझसे जुड़े हैं, अगर उन्हें मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को शेयर करेंगे और कुछ अपने साथियों को भी मुझसे जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। खैर, चलिए भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लेते हैं। एक कहावत है कि चाय से ज्यादा गर्म तो केतली होती है। तो अभी तक बीजेपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को इसी संदर्भ में देख रही थी कि दक्षिण भारत में है वहां भीड़ आती है, उत्तर भारत में भीड़ नहीं आएगी। अभी तो देखिए, चाय से ज्यादा गर्म केतली का मतलब यह है कि बीजेपी को लग रहा था अभी तो चर्चा हो रही है, थोड़ी बहुत राहुल गांधी की छवि सुधर जाएगी, थोड़े बहुत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह आ जाएगा, लेकिन चाय गर्म नहीं हो पाएगी। यानी चाय पर चर्चा उस रूप में नहीं हो पाएगी, यानी हिंदुत्व बनाम धर्मनिरपेक्षता पर बहस नहीं हो पाएगी इस यात्रा के कारण। ये यात्रा कांग्रेस को चुनावों में फायदा नहीं दिला पाएगी। ये यात्रा कांग्रेस की जो राज्यों में खेमेबाजी है, धड़ेबाजी है, उसको दूर नहीं कर पाएगी, ऐसा बीजेपी मानकर चल रही थी। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है और कांग्रेस फॉलो अप पर भी आ गई है। बीजेपी इस फॉलो अप से ज्यादा डरी हुई है। जो ये कोरोना का डर दिखाया जा रहा है, ताबड़तोड़ अंदाज में बैठकें हो रही हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं, चेतावनियां से मेरा मतलब एडवाइजरी जारी की जा रही है, लेकिन प्रोटोकॉल के मामले में राज्यों को पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है, केंद्र अपनी तरफ से किसी निश्चित कोरोना प्रोटोकॉल की घोषणा नहीं कर रहा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पर दबाव भी डाल रहा है, राहुल गांधी पर भी दबाव डाल रहा है कि वो यात्रा स्थगित कर दें या छोड़ दें यात्रा को। तो ये सब क्यों कर रही है बीजेपी? इसीलिए कि कहीं चाय केतली से ज्यादा गर्म ना हो जाए। क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, ये अलग बात है। और बीजेपी ने खुद रथ यात्रा निकाली थी, अडवाणी जी निकले थे, सारथी उस समय आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। तो नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से समझते हैं कि यात्रा से इतना असर नहीं होता जितना यात्रा के फॉलो अप का होता है, यानी यात्रा खत्म होने के बाद उस यात्रा को जिंदा बनाए रखना, लोगों में चर्चा कराए रखना, यह महत्वपूर्ण होता है। और एक अभियान चलाना, जैसा अडवाणी की रथ यात्रा के बाद हुआ था, राम मंदिर को लेकर, फिर शिला पूजन और तमाम चीजें हुई, आप जानते हैं, साधु संतों को आगे लाया गया, आप सब जानते हैं। तो अब बीजेपी डरी हुई है। एक तो भारत जोड़ो यात्रा उत्तर भारत के राज्यों में सफल हो रही है, तो वो नहीं चाहती कि दिल्ली आए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसको कवर करे, जो पैसे के कारण या दूसरी समय के कारण दूर दराज के इलाकों में नहीं जा पाया, फिर नेशनल मीडिया पर भी उसका असर पड़ेगा। तीसरा, बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस किसी तरह का फॉलो अप में जाए, क्योंकि फॉलो अप से फिर नुकसान होगा उसको। और कांग्रेस फॉलो अप की बात कर रही है, कांग्रेस कह रही है अब हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होगी। तो बीजेपी का मकसद मुझे लगता है यह है कि कोरोना का डर दिखाकर राहुल गांधी पर दबाव बनाया जाए और जनता में ये स्थापित किया जाए नैरेटिव कि देखिए ये कैसे राहुल गांधी है जो अपनी छवि चमकाने के लिए, जो कांग्रेस की छवि चमकाने के लिए लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं और कोरोना काल में भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए ये कैसे राहुल गांधी है, ये तो भारत जोड़ नहीं रहे, भारत तोड़ ही रहे हैं एक तरह से। तो बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा करे। हाथ जोड़ो का मकसद मेरे समझ में नहीं आया कि ऐसे करके हाथ जोड़ेंगे कांग्रेस के नेता 26 जनवरी से लेकर आगे 1-2 महीने तक, या हाथ मिलाएंगे और हाथ को एक हाथ दूसरे हाथ से जुड़ेगा, यानी दो जोड़ी हाथ आपस में मिल जाएंगे, समझ गया, दो जोड़ी हाथ। तो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में तो हाथ से हाथ भी मिलाना गुनाह है, तो ये कैसे मिलेंगे दो जोड़ी हाथ? तो क्या बीजेपी ये दबाव डाल रही है कि चलिए भारत जोड़ो यात्रा तो निकलती रहे, वो भी थोड़ी उसमें संख्या कम कर दी जाए और उसमें भी उसमें कुछ चीजें और प्रोटोकॉल के नाम पर लगातार एक कैंपेन छेड़ा जाए और इतना मजबूर किया जाए कि वो हाथ जोड़ो यात्रा कम से कम स्थगित कर दें, क्योंकि कांग्रेस का इरादा तो फिर
पोरबंदर यानी महात्मा गांधी की धरती से लेकर परशुराम धाम, ये अरुणाचल प्रदेश में बताया जाता है, वहां तक भी एक हाइब्रिड यात्रा निकालने की योजना है। और अगर बीजेपी ने इसी तरह विरोध करना शुरू किया, इसी तरह एक माहौल बनाना शुरू किया, तो फिर कांग्रेस और राहुल गांधी और ज्यादा प्रेरित होंगे, ये उन्हें अपनी जीत के रूप में लगेगा। एक बात। दूसरी बात, कोरोना का डर दिखाना, हवा दिखाना सियासी रूप से क्या जरूरी है राहुल गांधी की यात्रा को चित करने के लिए? या इससे ज्यादा आर्थिक नुकसान हो जाएगा, और आर्थिक नुकसान हो जाएगा तो बीजेपी को ज्यादा सियासी नुकसान होगा। अभी क्रिसमस है, न्यू ईयर है, फिर मकर संक्रांति है, ओणम जिसे कहते हैं, पोंगल भी मनाया जाता है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो इन त्योहारों के मौसम में डर दिखाना और कोरोना की हकीकत को बताकर एहतियात बरतने के लिए सिर्फ कहना, ये अपने आप में दो अलग अलग चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी स्पष्ट नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री एहतियात बरतने की कह रहे हैं, वो अच्छी बात कही उन्होंने कि ऑक्सीजन के सिलेंडर पूरे हैं नहीं, आईसीयू पूरे बने कि नहीं बने, और तमाम जरूरी दवाइयां हैं, और जीनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, और टेस्टिंग पर लगातार जोर देना है, बूस्टर टीके पर जोर देना है। ये सारी चीजें अपनी जगह सही हैं, अच्छी बात है, होती रहनी चाहिए थी, इससे पहले भी होती रहनी चाहिए थी, लेकिन फिर इससे भारत जोड़ो यात्रा पर तो कोई असर नहीं पड़ता। फिर क्यों मनसुख मांडविया कह रहे हैं कि साहब प्रोटोकॉल का पालन हो? क्यों फिर अनिल विज जो हरियाणा के मंत्री हैं वो कह रहे हैं हरियाणा में प्रोटोकॉल लागू कर दिया है, और अलग अलग राज्यों पर क्यों बीजेपी ने छोड़ दिया है? राजस्थान में बीजेपी जन आक्रोश यात्रा बंद करने की घोषणा करती है, दो घंटे बाद पलट जाती है, फिर कहते हैं कि प्रोटोकॉल आएगा और लागू होगा तो देखा जाएगा। तो बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा पर प्रोटोकॉल लागू होना ना होना उसकी यात्रा की आगे के भविष्य पर डिपेंड करता है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पर यह डिपेंड नहीं करता, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर निचोड़ यह है कि बीजेपी नहीं चाहती कि चाय केतली से ज्यादा गर्म हो जाए, राहुल गांधी चाहते हैं कि चाय की चर्चा हो, केतली की बात करना लोग बंद कर दें, और चाय के बहाने धर्मनिरपेक्षता बनाम हिंदुत्व की चर्चा हो, महंगाई बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं या हिंदू मुसलमान करके देश को बांटकर सत्ता में आना एक बड़ी चीज है, इन चीजों पर राहुल गांधी बहस चाहते हैं, और बीजेपी नहीं चाहती कि बहस जैसी नौबत आए, वो चाहती है चर्चा हो जाए, केतली की चर्चा होती रहे कि साहब देखिए वाकई में सर्दी के दिनों में केतली कितनी गर्म है, और लोग फिर वहीं की वहीं उन बातों को छोड़ दें, भूल जाएं और अपने काम में लग जाएं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए ताकि अगला आपको नोटिफिकेशन हो जाए नया वीडियो आने पर। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके सवालों का इंतजार मुझे हमेशा रहता है, सुझावों का इंतजार हमेशा रहता है, आज भी इंतजार कर रहा हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।